अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडीज आर्टिकल्स बाय मैडी। आज मैं आपको किरशॉफ करंट लॉ सिखाऊंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, किरशॉफ करंट लॉ में मुझे मेरे सामने एक सर्किट है, ठीक है, एक सर्किट डायग्राम है मेरे पास। और ये आप देख रहे हैं, ये सोर्स करंट्स लगे हुए हैं, ठीक है, इनकी कुछ वैल्यूज मेंशन है। बेसिकली किरशॉफ करंट लॉ होता क्या है? किरशॉफ करंट लॉ होता है कि सम ऑफ ऑल द करंट्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग एट अ नोड इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा इंटरप्रेट कर लेते हैं। अगर अच्छा देख सकते हैं आप, तो ये सारा मैंने एक सर्किट लिया हुआ है, इसके ऊपर वैसे बेसिकली किरशॉफ करंट लॉ मैंने लिख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक इक्वेशन बनानी है। हम इसको ये भी कर सकते हैं, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, या तो फिर हम इसको अकॉर्डिंग टू इनकमिंग को नेगेटिव ले लें, आउटगोइंग को पॉजिटिव ले लें, तो तब भी हम इस तरह कर सकते हैं। मैं आपको दो इक्वेशन जनरेट करके दिखा देती हूँ, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं इसको। ये मैंने नोड वन पे अब केसीएल लगाने लगी हूँ। पहले मैं तरीका करने लगी हूँ, एम वन मीन्स मेथड वन, और वो मेथड मेरा होगा इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। अच्छा, इनकमिंग में मैं देख सकती हूँ कि आई वन इनकमिंग हो रहा है और आई टू आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दोनों इनकमिंग्स को नोड वन की तरफ ऐड कर दिया है। अब मैं इक्वल टू आउटगोइंग, आउटगोइंग मेरा क्या है, जस्ट आई थ्री है, ठीक है। ये एक इक्वेशन बनाने का एक ये तरीका हो गया, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरी जो होगी, एक ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया कि हम इनकमिंग को नेगेटिव ले लें, मीन्स माइनस आई वन माइनस आई टू और ये माय प्लस आई थ्री, ठीक है। आउटगोइंग को पॉजिटिव ले लेते हैं हम लोग। ये कन्वेंशन आप ये भी कर सकते हैं, आई थ्री को इनकमिंग को नेगेटिव, आउट इनकमिंग को पॉजिटिव ले लें, आउटगोइंग को नेगेटिव ले लें, आंसर दोनों तरीके से सेम ही आता है, ठीक है, इक्वल टू जीरो, ठीक है। आपके पास दो मेथड्स आ गए आप लोगों के पास। अब एक मेथड आपके पास इनकमिंग आउटगोइंग वाला आ गया, दूसरा ये था इनकमिंग को नेगेटिव ले लिया, आउटगोइंग को पॉजिटिव ले लिया। ये दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर आपको ये वाला करूँगी, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि इसमें ना आपको साइन मिस्टेक नहीं होती। अच्छा, अब हम लिखना शुरू करते हैं अपने सोर्स करंट्स की वैल्यूज़।
यहाँ पे मैं आप लिखने लगूंगी। अच्छा जी, यहाँ पे हम अब क्या लिखने लगे हैं? यहाँ पे हम लिखने लगे हैं I1 की वैल्यू 3 मिली एम्पेयर। 3 मिली एम्पेयर है तो जस्ट आप 3 ही लिख दें, क्योंकि दोनों ही मिली एम्पेयर में सही हो गया। और यहाँ पे लिखते हैं आप 2, ठीक हो गया, इक्वल टू I3। I3 की वैल्यू अभी आपके पास नहीं थी तो यहाँ पे आपके पास आ जाती है I3 की वैल्यू। मैं आपको अभी इसको चेकिंग का मेथड भी बता दूंगी ताकि आपको पता चल जाए जो करंट्स आपने निकाले हैं वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई है 5 मिली एम्पेयर, साथ लिखना है क्योंकि वो उन दोनों के साथ कॉमन था, इसलिए मैंने वहाँ एवेल्युएट करने के टाइम पर नहीं लिखा। अब मेरे पास वैल्यू आ तो गई है 5 मिली एम्पेयर, ठीक है। अब चले इसको मैं जरा चेक करती हूँ अपने करंट रूल के अकॉर्डिंग। टू सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। आइए हम इसमें I3 की वैल्यू पुट करके देखते हैं। यहाँ पे I3 की वैल्यू पुट करके देखते हैं कि क्या मेरा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। I1 की वैल्यू -2 -3, I2 की वैल्यू क्या है -2, और अब हम यहाँ पे अपना +5 भी डाल देते हैं, ठीक है। प्लस I3 था तो +5 डाल दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 0 आ रहा है, जिसका मतलब है कि आपने जो करंट निकाला है वो बिल्कुल ठीक है और वो आपका KCL फॉलो कर रहा है। इसकी वैल्यू होती है -5, और -5 + 5 = 0, तो आपका हो गया है वेरीफाई क्रन डिवीजन रूल। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बहुत सारी वीडियोस और भी बताऊंगी, बस आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी फुल वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आप लोगों को कोई भी इशू हो वो साथ ही रिजॉल्व हो जाए। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आती तो यू आर ऑलवेज वेलकम, आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप मेरी जो ईमेल है मेरे अबाउट में चैनल की दी गई है उसको भी आप लोग यूज़ करते हुए मुझे आंसर दे सकते हैं, अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आई वुड रिप्लाई यू ऑन प्रायोरिटी बेसिस। और अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।